अगर आपको याद हो तो मैंने आपको गॉस थ्योरम का प्रूफ करवाया था। गॉस थ्योरम के प्रूफ के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि गॉस थ्योरम के प्रूफ में एक स्फेयर को लेके एग्जांपल लिया था और स्फेयर के एग्जांपल से मैंने गॉस थ्योरम का प्रूफ करवाया था। और मैंने ये भी कहा था कि गॉस ने आर्बिट्ररी बॉडी के लिए ये प्रूफ किया हुआ है, आर्बिट्ररी बॉडी पे ये प्रूफ किया जा सकता है कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक चीज सीखनी पड़ेगी। सपोज करो आपके पास ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर के सेंटर से ये आपने थीटा थीटा एंगल बनाया और यहां पर एक तरीके की डिस्क बन गई। तो ये जो पोर्शन देख रहे हो, जो ये छत बनेगी छोटी सी, आर्क नहीं है ये, पूरा कर्व है, ये पूरे का पूरा ऐसा कर्व है। इसका अगर आपने सरफेस एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर में, सरफेस एरिया इसका होगा 2πr² × 1 − cos θ। ये पहला फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4πr², पर इसका सिर्फ इतने इतने पोर्शन का, बस इतने इतने पोर्शन का सरफेस एरिया की वैल्यू क्या रहेगी, सरफेस एरिया रहेगा 2πr² × 1 − cos θ। क्लियर है यहां तक? जैसे अगर थीटा 90 कर दें, 90 करने पे क्या होगा, एक थीटा 90 का मतलब ये यहां पे पहुंच जाएगा पॉइंट, दूसरा भी 90 यहां पे पहुंच जाएगा, तो फिगर क्या बनेगी, एक हेमिस्फीयर। तो अगर आप थीटा को इस फॉर्मूले में 90 पुट करें तो एरिया, सरफेस एरिया क्या आएगा, 2πr², बिल्कुल सही आ रहा है। और अगर आप थीटा को 180 पुट करें तो दोनों एंगल 180 मिला के 360, तो सरफेस एरिया क्या आएगा, स्फेयर का। इसका मतलब कि फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई डाउट है इसमें? इसके अंदर एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है जो ये आता है। ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक कोन है, एक कोन के वर्टेक्स पे क्यू चार्ज है। तो एक कोन के वर्टेक्स पे अगर क्यू चार्ज है तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस ये फिगर गिवन है, ये थीटा, ये थीटा, कुछ ये गिवन है बस, ऐसे क्यू चार्ज है। तो क्यू चार्ज हर तरफ क्या लगाएगा, यहां पर लाइंस लगाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी। तो इसका फ्लक्स क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब सेम प्रॉब्लम, हम ई डॉट डी एस लगा नहीं सकते और गॉस थ्योरम में क्लोज बॉडी चाहिए, क्योंकि क्यू चार्ज तो बिल्कुल सर पे बैठे, अंदर तो है ही नहीं कोन के, तो अपने को एक क्लोज बॉडी बनानी पड़ेगी। इसमें क्लोज बॉडी क्या बनती है, एक स्फेयर बना दो, ऐसा स्फेयर बना दो, ठीक है? तो अब एक चीज बताओ, अगर ये टोटल स्फेयर है, इस पूरे स्फेयर का फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन, क्योंकि स्फेयर इज अ क्लोज बॉडी, ठीक? पर हमने सिर्फ इस पोर्शन का निकालना है। तो एक काम करते हैं, लेट अस सपोज इस पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया है एस नॉट, 4πr², और इतने पोर्शन का सरफेस एरिया क्या होगा, एस, जिसकी वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको। अब क्योंकि जो लाइंस हैं वो तो हर तरफ जाएंगी, वो तो हर तरफ बराबर जाएंगी, तो यानी कि यूनिफॉर्मली जाएंगी, बराबर जाएंगी, तो एक काम क्यों नहीं करते, एक काम करते हैं कि अगर टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का एस नॉट है तो टोटल फ्लक्स इतना है, अगर 1 है तो डिवाइड बाय एस नॉट है, और हमारा कर्व जो है नीचे वाला कोन वाला, उसका सरफेस एरिया अगर एस है तो फ्लक्स क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एस से। अब क्योंकि हमें एस नॉट की वैल्यू तो पता है 4πr², हमें एस की वैल्यू क्या है, 2πr² × 1 − cos θ, तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लो, कोन का ये नीचे का बेस का फ्लक्स इसके इक्वल होता है, ठीक है? ये टॉपिक एनसीईआरटी के लिए नहीं है, लिख लो शीट के ऊपर, नॉट फॉर एनसीईआरटी, बड़ा बड़ा ये शीट को देखना ही नहीं है, सिर्फ कंपटीशन के अंदर मार्क करने को आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल शीट है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल के लिए पढ़ के जानी है, बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जानी, लिख लेना, नॉट फॉर एनसीईआरटी, पढ़ने बैठ जाओ, ठीक।